गुड इवनिंग एवरीवन, वीडियोस वर्ल्ड में आपका स्वागत है और ये है ईटैप ट्यूटोरियल सीरीज। आज की वीडियो में हम कुछ वेरीफाइज एग्जांपल्स हैं जो ईटैप हमें देता है, उन एक एक करके उसको हम सॉल्व करेंगे और रिजल्ट कंपेयर करेंगे। आज की वीडियो में फर्स्ट एग्जांपल हम वेरीफाई करेंगे। तो अगर आपको वेरीफाई प्रॉब्लम्स चाहिए ईटैप की, तो ईटैप हमें प्रोवाइड करता है। आप यहाँ जाएंगे हेल्प में और यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में। इसके बाद देखिए सब कुछ है, ट्यूटोरियल्स भी हैं, मैनुअल भी है। यहाँ पे आप जाएंगे वेरिफिकेशन में। देखिए वेरिफिकेशन में आप देख सकते हैं एनालिसिस, स्टील, कंक्रीट, कंपोजिट, कंपोजिट कॉलम, शियर वॉल और स्लैब, ये सब के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इसमें मैनुअली रिजल्ट है और ई टाइप के रिजल्ट हैं। तो एक एक एग्जांपल लेंगे हम, उसे सॉल्व करेंगे, रिजल्ट कंपेयर करेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो अभी आप सीख रहे हो वेरीफाई है और आप सीख भी जाओगे सारी चीज़ें, पूरा ई टैब आप सीख जाओगे इससे। तो सबसे पहले हम जाते हैं एनालिसिस में। देखिए एनालिसिस में 15 एग्जांपल्स हैं। इसी तरह स्टील डिज़ाइन, इसी तरह कंक्रीट डिज़ाइन, इसी तरह हम सारे एग्जाम्पल लेके चलेंगे। आज की वीडियो में फर्स्ट एनालिसिस का फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, स्टैटिक ग्रेविटी लोड एनालिसिस। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है, इसको हम फर्स्ट एग्जाम्पल का को हम मॉडल बनाएंगे, लोड लगा के एक बार एनालाइज करेंगे, फिर जो इस प्रॉब्लम में मैनुअली कैलकुलेशन के रिजल्ट हैं उसको हम अपने जो हमने बनाया है उससे वेरीफाई करेंगे। अगर वेरीफाई हो जाते हैं इसका मतलब हमने सब सही किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। तो देखिए ई टैप के वेरिफिकेशन एग्जाम्पल है, एनालिसिस में हम फर्स्ट एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल क्या है आपका, प्लेन फ्रेम विथ बीम स्पैन लोड स्टैटिक ग्रेविटी लोड एनालिसिस। यानी कि फ्रेम है जिसमें बीम्स हैं और बीम के ऊपर लोड लगा हुआ है, बीम स्पैन लोड्स, और जो लोड है वो किस टाइप के हैं, स्टैटिक ग्रेविटी लोड, यानी कि वो लोड जो स्टैटिक हैं और जिनकी डायरेक्शन है वो ग्रेविटी डायरेक्शन में है। ओके, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। दिस इज वन स्टोरी 2D फ्रेम सब्जेक्ट टू वर्टिकल स्टैटिक लोडिंग, सिंपल है, वन स्टोरी 2D फ्रेम है। नेक्स्ट, टू बी एबल कंपेयर ई टैप रिजल्ट विद थियोरिटिकल रिजल्ट यूजिंग प्रिज्मेटिक मेंबर एलिमेंट्री बीम थ्योरी रिजिड जॉइंट ऑप्शन ऑन कॉलम बीम आर नॉट मॉडल एक्सियल एंड शियर फोर्स डिफॉर्मेशन नेगलेक्टेड। एक्सियल और शियर फोर्स नेगलेक्ट किया हुआ है इन एक्सियल डायरेक्शन में, और जो भी ई टैप हमारा ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी देता है हम उसको यूज नहीं करेंगे, हम अपनी प्रॉपर्टीज देंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो ये आपकी प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद ज्योमेट्री में चलते हैं। तो इस फ्रेम में 3 कॉलम है, 1, 2 एंड 3, और ये 3 कॉलम है, 2 बे सिस्टम है, बे 1, बे 2, बी 1, बी 2, और इसमें जो यूनिट यूज़ की गई है किप्स इंच और सेकंड की गई, यानी कि फोर्स किप्स में और आपका लेंथ मीटर में, वो सॉरी इंच में, और टाइम सेकंड्स में यूज़ की गई है। और मॉडुलस इलास्टिसिटी जो आपकी यूज़ की गई है 3000 KSI, और कॉलम का साइज जो है 12 इंच बाय 24 इंच, और बीम का साइज 12 इंच बाय 30 इंच। ये आपका मॉडल है, इसमें भी 2 केस दिए हुए, केस 1 केस 2। केस 1 में क्या है आपका पॉइंट लोड्स लगे हुए, और केस 2 में UDL लगे हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेम है आपका जिसकी हाइट है 10 फीट और बीम की लेंथ है 18 फीट 18 फीट, और कॉलम के बेस पे 3 सपोर्ट्स हैं C1 C2 C3, बीम 1 और 2 इसमें की टाइटल दिया हुआ है, ओरिजिन यहाँ पे है आपका, जेड इसमें हाइट है और ये एक्स डायरेक्शन है। इसमें एक और चीज़ दी गई है कि यहाँ पे जो कॉर्नर वाला जॉइंट है इसको पिन सपोर्ट किया गया है, पिन सपोर्ट मीन्स बेंडिंग मोमेंट 0, और यहाँ पे C2 को भी पिन बनाया हुआ है, और यहाँ पर ये सपोर्ट भी पिन बनाई हुई है। तो कैसे पिन बनाते हैं वो देखेंगे। उसके बाद उन्होंने ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है थोड़ा सा कि 2D है, वर्टिकल स्पैन, कॉलम एंड कनेक्शन है, रिजल्ट कंपेयर। देखिए केस फर्स्ट, यानी कि जब आपका केस है आपका ये वाला केस पॉइंट लोड का, उस केस के रिजल्ट इसमें दिए हुए हैं उन्होंने, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स के रिजल्ट्स अलग अलग लोकेशंस पे, लोकेशन यानी अलग अलग लेंथ पे स्पैन की, बीम नंबर 1 बी वन के रिजल्ट, एक ही बीम के रिजल्ट कंपेयर किए गए। तो ई टैप से रिजल्ट हैं और यहाँ पे थ्योरेटिकल रिजल्ट हैं। ये तो है आपके
ई टैप कंपनी जो CSI कंपनी है उसने दिए हैं, अब इसको हम करेंगे और हम चेक करते हैं हमारे हम कितना सही कर पाते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं। इसी तरह इन्होंने B1 केस 2 UDL के साथ रिजल्ट दिए हमें, बहुत अच्छा दिया हुआ है, इससे हम ई टैप भी सीख जाएंगे और हमारे रिजल्ट भी वेरीफाई हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो देखिए हमें सबसे पहले एक ग्रिड बनानी होगी। तो ग्रिड में हमारे कितने स्पैन है, B1 B2 18 फीट 18 फीट, और फ्लोर हाइट कितनी होगी 10 फीट, क्योंकि जेड तो फ्लोर हाइट होती है, तो वहाँ पर फ्लोर हाइट चेंज करनी होगी हमें, कितनी आपकी 10 फीट। तो सबसे पहले हम न्यू मॉडल और यूनिट ले लेते हैं, यूनिट US यूनिट ले लेते हैं, US की यूनिट जो होती है वो किप्स और फीट में होती है। ओके करते हैं, तो ये आ गया। तो फ्लोर हाइट हमें कितनी लेनी है 10 फीट, ये जो है 10 फीट, और आपका ये कितना है स्पेसिंग 18 फीट। ओके कर देते हैं, ये स्पैन भी हम ले लेते हैं A11। ओके ओके, प्रॉब्लम ये हुई है कि 11 स्पैन लेता नहीं है। तो स्टोर हाइट 10 फीट, 18 फीट, 18 फीट, 2-2 स्पैन। ओके ये आ गया, 4 स्टोरेज नो प्रॉब्लम है, तो बस नीचे बनाना है। इसमें एक और मिस्टेक हुई है, देखिए मिस्टेक होती रहती हैं। अब हमारी ये मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे हमारा एक ही स्पैन है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कितने स्पैन चाहिए अकॉर्डिंग टू दी प्रॉब्लम, 1 स्पैन 2 स्पैन। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा न्यू करें नहीं, हम मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट में जाएंगे और एडिट स्टोरेज डाटा, जो गलतियाँ होती हैं उसी से हम सीखते हैं। और यहाँ पे है हमारा मॉडिफाई ग्रिड सिस्टम, और यहाँ पे हम क्या करते हैं एक और ऐड कर लेते हैं इस डायरेक्शन में 18 फीट पर, एक और वाई डायरेक्शन में, ज़रूरत नहीं हमें, एक्स से काम चल जाएगा, लेकिन कर लेते हैं, कलर भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ओके देखिए ग्रिड हमारी चेंज हो चुकी है, तो हमारी ग्रिड बन चुकी है। नेक्स्ट टेस्ट की ज्योमेट्री, तो कॉलम हमें डिफाइन करना है 12x24 और बीम 12x30, ठीक है, मॉडलर और इलास्टिसिटी 300। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मटेरियल डिफाइन करते हैं, डिफाइन मटेरियल, मटेरियल इन्होंने गिवन नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेते हैं। हम ले लेते हैं स्टील, ASTM अमेरिकन है कोई, A36, ओके A36। इसमें बस इलास्टिक मॉडुलस हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वो LB पर इंच स्क्वायर है, तो उसके किप्स में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3000 का हो जाएगा 3 × 10⁶। ओके तो A36 आ गया। नेक्स्ट हमें डिफाइन करना है बीम सेक्शन, बीम एड न्यू रेक्टेंगल, मटेरियल हमने A36, इसको ले लेते हैं हम बीम, और बीम का साइज कितना लिया है इन्होंने 12 इंच बाय 30, डेप्थ होगी 30 इंच और ये होगी 12, ओके 12 इंच बाय 30। इसी तरह हम एक कॉलम ले लेते हैं 12 बाय 24 इंच कॉलम, और मटेरियल A36, और ये डेप्थ हो जाएगी कॉलम की 24, और ये हो जाएगी आपकी 12 इंच। ओके कॉलम और बीम डिफाइन कर चुके हैं, अब ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने कॉलम लिया, और कॉलम है हमारा यहाँ से, हमने कॉलम सेलेक्ट किया, और एक कॉलम ये है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब हम बीम ड्रॉ कर लेते हैं, बीम एक बीम ही है, एक बीम ही है, स्कैप बटन दबाएंगे तो कर्सर चलाएगा। अब देखिए हमारा ड्रॉ हो चुका है, कंट्रोल डी से हमें इसको हाइड कर लेते हैं, ये रहा ग्रिड को, इस तरह का मॉडल बन चुका है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर पिन सपोर्ट है, यहाँ पर पिन है और यहाँ पर पिन है, पहले हम तीनों जगह पर फिक्स सपोर्ट लगा देते हैं। तो तीनों जॉइंट सेलेक्ट किए हमने, और असाइन जॉइंट रिस्ट्रेंट फिक्स, ओके तीनों फिक्स हो चुकी है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर पिन, यहाँ पर पिन, यहाँ पर पिन, का मतलब क्या है कि आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो है। तो हम क्या करते हैं, इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, और असाइन
फ्रेम रिलीज एंड पार्शियल फिक्सिटी पर क्लिक करते हैं और मूवमेंट 3:3 को रिलीज कर देते हैं। देखिए इन दोनों का जो एंड पॉइंट है, यहाँ से ये स्टार्ट पॉइंट होता है, एंड पॉइंट पे हमें रिलीज करना है इन दोनों का। तो एंड पॉइंट पे हमने यहाँ क्लिक किया M33 मूवमेंट और ओके कर दिया। ये देखिए प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यहाँ पे मूवमेंट 0, यहाँ पे एक इस वाले कॉलम में स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो ये वाला कॉलम हमने सेलेक्ट किया असाइन फ्रेम रिलीज और ये एंड पे है, सॉरी स्टार्ट पॉइंट पे है। ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा लोड का। लोड का आप देखोगे तो हम फर्स्ट केस में चलते हैं। पहले फर्स्ट केस में क्या है, 50 100 100 100 50 50 जॉइंट्स पे लगा हुआ है, सेंटर पे लगा, यानी इस जॉइंट पे 50, यहाँ 100 और यहाँ 50 और यहाँ सेंटर पे 100 और यहाँ सेंटर पे 100। तो लगाते हैं, इजी है। इस जॉइंट पे 50 है और इस जॉइंट पे 50 है। असाइन जॉइंट लोड फोर्स, डायरेक्शन है हमारी जेड, तो -50 किप्स ये लगा हुआ है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 100 है, असाइन जॉइंट फोर्स -100, ये 100 हो गया। और यहाँ पे और यहाँ पे हमारा सेंटर में लगा हुआ है 100 100, तो असाइन फ्रेम लोड पॉइंट लोड प्रोपोर्शन कितना है 0.5 और लोड कितना है 100, क्योंकि ग्रेविटी डायरेक्शन में है। ये देखिए यहाँ से हम और लोड शो कर सकते हैं, ओके। ये इसी तरह से हमारे लोड लगे हुए हैं, ठीक है। अब हम इसको एनालाइज कर देते हैं। बेंडिंग मोमेंट चेक करते हैं, वैल्यू के साथ चेक करते हैं। तो मैक्सिमम कितना आ रहा है इसमें, 280 बेंडिंग मोमेंट। लोड हमने 50 50 100 100, ठीक है। तो मैक्सिमम 307 आ रहा है, हम इसमें चेक कर लेते हैं। तो लोड केस वन, पॉइंट लोड कंसंट्रेटेड लोड है, बीम वन का देखेंगे। तो बीम वन में एंड स्टार्टिंग पॉइंट पे जीरो मोमेंट है, स्टार्टिंग पॉइंट पे जीरो मोमेंट है देखिए यहाँ पे, और उसके बाद एंड पॉइंट पे 4050 है, एंड पॉइंट पे 4050 है। हम इस पे राइट क्लिक करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, अब यहाँ पे सही से देख सकते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट कितना है आपका, 307.210 एंड पॉइंट पे, देखिए इसको, सॉरी यहाँ पे एंड पॉइंट पे हम इसको मूव करा के देख सकते हैं। तो एंड पॉइंट पर आ रहा है 280.5 किप्स फीट मोमेंट, और जबकि इसमें कितना आ रहा है 4050, बिकॉज इसमें जो यूनिट है वो है आपकी LB पर इंच। तो कन्वर्ट करके देख लेते हैं, इंच है मूवमेंट जो है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे गए हम और यहाँ पे कंसिस्टेंट यूनिट्स हैं, यहाँ पे हमने किया एक बार दोबारा से किप्स और इंच में फोर्स, और हमने दोबारा मूवमेंट चेक की और यहाँ पे राइट क्लिक किया। तो अब देखते हैं कितनी मूवमेंट आ रही है, मूवमेंट आ रही है 4050.997 और यहाँ पे आ रही है 4050 माइनस में, ठीक है। इसका शेयर फोर्स आ रहा है फर्स्ट एंड पे 31 और नेक्स्ट एंड पे आ रहा है 68। फर्स्ट एंड पे आ रहा है आपका 31, ये देखिए 31, और लास्ट एंड पे आ रहा है 68। तो हमारे रिजल्ट वेरीफाई हो चुके हैं। इसी तरह आप UDL लगा के चेक कर सकते हो, ये आपको चेक करना है, UDL का केस ये रहा यहाँ पे, और ये सारे फोर्स चेक करने हैं आपको। तो देख सकते हैं आप, बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे डॉक्यूमेंटेशन में, वेरीफाई एग्जांपल एक एक करके हम करेंगे तो हम पूरा ईटैप भी सीख जाएंगे और हमारे रिजल्ट भी वेरीफाई हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।